फागुन माह की अमावस्या 10 मार्च को पड़ रही है। वैसे तो हर महीने अमावस्या पड़ती है, लेकिन ग्रहों और नक्षत्रों के खास संयोग की वजह से इस बार की अमावस्या खासी महत्वपूर्ण हो गई है। इसका खासा महत्व हो गया है। इस बार की अमावस्या का क्या महत्व है, इस दिन क्या कुछ करना चाहिए, और खासकर प्रयागराज में जो गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी है, वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने वालों को, पूजा अर्चना करने वालों को किस तरीके का फल मिलता है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए नागेश्वर धाम कुरुक्षेत्र के पीठाधीश्वर स्वामी महेशाश्रम जी महाराज हैं, उसके साथ आचार्य जी हैं, तमाम श्रद्धालु हैं। हम सबसे पहले महाराज जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, 10 मार्च को जो अमावस्या पड़ रही है, क्या महत्व है इस अमावस्या का? देखिए, जब माघ में पूरे ब्रह्मांड के देव शक्तियाँ, सिद्ध शक्तियाँ, ऋषि शक्तियाँ आती है, उसके बाद महाशिवरात्रि तक जो भगवान का ये शिव जी का जो व्रत है, इस पर बड़े हर्षोल्लास से पूजन करते हैं, उसके बाद से ही अमावस्या पड़ता है। तो ये शिव विवाह का दिन है। शिव विवाह के दिन से 5 दिवस तक भगवान शिव अंतर्मुख वास होते हैं। अंतर्मुख वास होने के बाद से जब भगवान शिव 5वें दिन अमावस्या के दिन माता शक्ति के साथ दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं गुफा से, तो चंद्रमा अर्ध रूप में होकर के, और अमावस्या को चंद्रमा सीमित रूप में होते, लेकिन फागुन कृष्ण पक्ष के अमावस्या को अर्ध चंद्र के रूप में प्रकट होते हैं और अपने चांदनी से शिव शक्ति को आह्लादित करते हैं। अब वो दर्शन अमोघ होता है, इसलिए यह अमावस्या श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन अमावस्या के दिन महाराज जी अगर बात करें तो इस बार की जो अमावस्या है, उस पर ग्रहों और नक्षत्रों का किस तरीके से विशेष संयोग बन रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, खासी फलदायी है। देखिए, ये तो मैंने बताया आपको, अर्ध रूप चंद्रमा का ही एक विशेष महत्व है। फिर एम घंट योग वही बन रहा है जो समाज के लिए बहुत विशेष है और बहुत सुखदायक ग्रह नक्षत्र आ रहा है, इसलिए उस दिन एक विशेषता शक्ति की आराधना विशेषता की गई है, क्योंकि शक्ति है तो ही ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति ही सर्वसर्वाधिक है। इसलिए श्रद्धालुओं को संगम में स्नान करने के समय शक्ति का आराधना करना चाहिए। शक्ति और शिव का आराधना करते हुए अपने पितरों को भी तर्पण आदि करके और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, ये जो फागुन माह की अमावस्या है, इस पर जो साधक हैं उनको क्या करना चाहिए, संत महात्माओं को क्या करना चाहिए, और जो एक आम नागरिक है उसको किस तरीके से पूजा अर्चना चाहिए, कहाँ जो है स्नान करना चाहिए, क्या कुछ पूरा बताया गया है? देखिए, इसमें त्रिविध है, हमारे यहाँ यंत्र तंत्र मंत्र। तो तांत्रिक तो कालरात्रि की उपासना करते हैं, यंत्र साधक अपने यंत्रों की सिद्धि के लिए ब्रह्म शक्ति मंत्रों का आवाहन करके अपना यंत्र सिद्ध करते हैं, और आम जनता जो भक्ति प्रजा है वो अपने भक्ति के द्वारा स्नान दान, और दान में भी विशेष दान है, श्वेत वस्त्रों का दान विशेष महत्व दिया गया, श्वेत वस्त्र, श्वेत चावल आदि जो भी श्वेत वस्त्र है दान करें, और भगवान शिव के मंदिर में या कहीं भी बैठ करके, अपने घर में बैठ करके शिव शक्ति का आराधना करें, तो उसके जीवन के जो अभेद कष्ट है, जो कभी किसी कार्य से, दवा से इसे नहीं होते, वो भी उसको विश्राम मिलेगा और उसको सुख शांति प्राप्त हो। महाराज जी, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का क्या महत्व होता है, और जो लोग पूजा अर्चना करते हैं उनको क्या फल प्राप्त होता है, इस बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले आचार्य जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, अपना पूरा नाम बता दीजिए पहले। आचार्य ज्ञानेश्वर प्रसाद मिश्र। आचार्य ज्ञानेश्वर प्रसाद मिश्र हैं, आप बताइए, आप तो जानकार हैं जो है वो, इस बार की जो फागुन माह की अमावस्या है किस तरीके से विशेष रूप से फलदायी है? देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में द्वादश चंद्रमास का वर्णन आता है। द्वादश चंद्रमास का मतलब ये होता है 12 महीने का। 12 महीनों में ये जो फाल्गुन मास है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये परिवर्तन दिवस का मध्य काल है। महाशिवरात्रि के विषय में जैसा कि महाराज जी ने बताया, उसके बाद द्वादश चंद्रमास में यह जो फाल्गुन महीने की जो अमावस्या पड़ रही है, यमघंट योग के साथ साथ पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र जो पड़ रहा है, इसमें एक क्षणिक 1.25 से 1.5 घंटे के लिए यामित्र योग बन रहा है। इस योग की वैशिष्टता ये है, शिव शक्ति की आराधना करना, और जैसे शिशिर ऋतु परिवर्तित होगा,
उसी तरह साधना की दृष्टि से, जैसे उदाहरण के लिए शिव जी का विवाह हो गया, ये तीन रात्रि गतमान हो जाएगा। त्रिरात्रि की जी अवेद्य शक्ति के बाद आज्ञा शक्ति का जो आवाहन किया जाता है हमारे शास्त्रों में, आगम तंत्र के हिसाब से, अथर्वेद के हिसाब से, इन शक्तियों की आराधना में ये जो योग आ रहा है सबसे विशिष्ट योग माना। अच्छा, ये जो योग आप जिस योग की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये कितने दिनों के बाद ये खास संयोग बन रहा है? ये 12 से 13 वर्ष के बाद आ रहा है। 12 से जी। इस दिन क्या करना चाहिए, जो आम श्रद्धालु हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए? समस्त श्रद्धालुओं को अपने अपने इष्ट के प्रति चिंतन करना चाहिए, लेकिन विशेष तरह से शिव जी का आराधना और चंडी की आराधना सबसे अच्छा है। अच्छा महाराज जी, प्रयागराज में माघ मेले का तो औपचारिक तौर पर समापन हो गया है, लेकिन गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको क्या कुछ करना चाहिए, और यहाँ स्नान करके पूजा अर्चना करने वालों को क्या फल प्राप्त होता है? देखिए, कहीं भी जो वैदिक प्रमाणिक नदियाँ हैं, गंगा गोदावरी हैं, नर्मदा है, चाहे कोई भी हो, चाहे संगम तो विशेष है ही है, पूरे ब्रह्मांड में उत्तम तीर्थ है। यहाँ जो स्नान करता है तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का विनाश हो जाता है, इच्छित फल प्राप्त होता है। और उस दिन अमावस्या का दिन तो अभी आचार्य जी ने बताया संपूर्ण योग्य फलदायक है, इसलिए उस दिन जितनी आराधना हो सके स्नान के बाद से करें, लेकिन निहित उसमें एक सतर्कता बहुत जरूरी है, हमारे द्वारा किसी प्रकार का अनैतिक मन से वाणी से कर्म से अनैतिक कार्य न हो। और शिव और शक्ति का विशेषता चंडी का आराधना, मतलब कहते हैं कालरात्रि का आराधना, और भगवान शिव का रौद्र रूप आराधना करें तो उनके जीवन का जो शारीरिक कष्ट तो दूर होगा, उनके जीवन में आध्यात्मिक और जो आर्थिक कष्ट है वो भी समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ श्रद्धालु भी हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा स्वामी हरिनारायण महाराज है। ये बताइए कि किस तरीके की तैयारी है फागुन माह की अमावस्या पर यहाँ संगम पर पूजा अर्चना करने के? विशेष रूप से यहाँ हमारे जगतगुरु स्वामी जी का जो है आश्रम है यहाँ पे और यहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। और हमारे गुरुदेव भगवान का ही आश्रम है, दंडी स्वामी मठ है। आप लोग भी स्नान करेंगे? हम लोग भी स्नान करेंगे, स्वामी जी के हम शिष्य जो है। जी जी, तो बिल्कुल जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि इस बार फागुन माह की जो अमावस्या है ग्रहों और नक्षत्रों के खास संयोग की वजह से खासी फलदायी मानी जा रही है। संत महात्माओं से लेकर जो श्रद्धालु हैं उन्होंने इस अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाने, पूजा अर्चना करने की खास तैयारियां कर रखी हैं। मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज।